कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व में भारत की पहचान लोकतंत्र की जननी के रूप में हो रही है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। भारत में लगभग 25,000 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं और इसी तथ्य ने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास जगाया है। आज हर कोई कह रहा है, पीएम मोदी ने कहा कि भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुशहाल होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतनी दूर हो गई है, उन्हें बस परिवार हित नजर आता है, उन्हें देश हित की सुविधाएं अच्छी नहीं लग रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वैक्सीन हो या ईवीएम, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर झूठ बोला, कांग्रेस ने लोकतंत्र को बदनाम किया। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए, कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया, उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है।